हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है फ्रॉम गोविंद पारेख, जिसका हमने चरक पार्ट कंप्लीट कर लिया है एंड अगले कुछ ही लेक्चर्स में हम सुश्रुत पार्ट भी फिनिश कर लेंगे। ये एपिसोड हम एक रिविजन बूस्टर एपिसोड के फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं, जिसमें आपको जो गोविंद पारेख का चरक पार्ट है उसका रिविजन मिलेगा, ताकि एक ही क्लास में आप पूरा चरक पार्ट फ्रॉम गोविंद पारेख रिवाइज कर पाएँ और इसको दो तीन बार रिपीटेडली सुनेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारे ऐसे ही यूज़फुल क्लासेस के नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता तीन स्तरों पर लिखी गई है। पहली स्टेज है उपदेष्टा, जिसमें गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं। यहाँ पर गुरु हैं पुनर्वसु आत्रे, जो कि आत्रे के शिष्य और पुत्र हैं, और जो जिसको उपदेश दे रहे हैं शिष्य है अग्निवेश। उपदेश को तंत्र रूप में लिखने वाले कौन हैं? महर्षि अग्निवेश, इसलिए इनको तंत्रकर्ता भी कहते हैं। सेकंड स्टेज है प्रतिसंस्कर्ता भाष्यकार चरक, जो कि विशुद्ध के पुत्र और वैशंपायन के शिष्य थे। एंड थर्ड स्टेज है संपूरक। संपूरक कौन है? दृढ़बल, इनको द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता भी कहते हैं। एंड प्रथम प्रतिसंस्कर्ता है आचार्य चरक। चरक संहिता का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो योग और सांख्य दर्शन से लिया गया है। व्यवहारिक पक्ष न्याय और वैशेषिक दर्शन से सामंजस्य रखता है। सांख्य शब्द 5 बार यूज़ हुआ है, इतिहास शब्द 2 बार यूज़ हुआ है। चरक संहिता को 4 सूत्रों में लिखा गया है। गुरु सूत्र, जिसमें गुरु शिष्य को उपदेश देता है, और शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र एंड फोर्थ है एकीय सूत्र। गुरु सूत्र, शिष्य, प्रतिसंस्कर्ता, एकीय सूत्र। इसमें 3 आत्रेय का वर्णन है। पुनर्वसु आत्रेय, जिसका वर्णन आपको चरक सूत्र स्थान 13वें अध्याय में मिलेगा। कृष्ण आत्रेय, चरक सूत्र स्थान 11वें में मिलेगा इसका वर्णन आपको। एंड भिक्षु आत्रेय, चरक 25वें सूत्र स्थान। चरक संहिता में श्लोक कितने हैं? 12,000। लेकिन वर्तमान में श्लोक कितने अवेलेबल हैं? 9498। सूत्र कितने हैं? 9295। श्लोक हैं 9498 एंड सूत्र हैं 9295। और इसमें योग कितने हैं? 1949, मतलब 1949। 14 देशों का वर्णन है एंड 68 आचार्यों का वर्णन है। दृढ़बल द्वारा पूरित अध्याय कितने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 41 अध्याय पूरित है, जिसमें कल्प स्थान पूरा लिया गया है, सिद्धि स्थान पूरा लिया गया है एंड चिकित्सा सूत्र का 17 अध्याय लिए गए हैं। एंड इसके बाद 41 टीकाएं हैं, 41 टीकाएं, जिसमें आपको जिस टीकाओं के रिलेटेड बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ। चरक न्यास भट्टार हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। चरक चंद्रिका गायदास, गायदास का टाइम पीरियड है 11वीं सदी। और इसके बाद है चरक पंजिका स्वामी कुमार, निरंतर पद व्याख्या जेजट 9वीं सदी। परिहार वर्तिका लिखी है आषाढ़ वर्मा। बृहतंत्र प्रदीप, ये किसके द्वारा रचित है? बृहतंत्र प्रदीप नर्दत। चरक प्रकाश कौस्तुम्भ, नरसिंह कविराज। जल कल्प तरु, वेरी इंपॉर्टेंट, गंगाधर राय एंड इनका टाइम पीरियड है 19वीं सदी। चरक उपस्कार योगेंद्रनाथ सेन। चरक प्रदीपिका ज्योतिष चंद्र। और इसके बाद है आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणी। चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन, ठीक है। वर्तिकाकार स्वामी शीरदत्त। और इसके बाद आ जाता है कि चरक संहिता किस विधि से लिखी गई है? शिलोच वृत्ति विधि से। चरक का काल 4 BC अग्निवेश काल, इसको उपदेष्टा काल भी बोलते हैं, और इसका है 1000 BC। एंड दृढ़ बल का काल क्या है? 4 AD, ठीक है। और चरक के काल को मनुस्मृति काल भी बोलते हैं, अग्निवेश काल को उपदेष्टा काल भी बोलते हैं एंड सुश्रुत के काल को वैकल्यकल काल भी बोलते हैं। चरक संहिता को उपनिषद कालीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये उपनिषद काल में लिखी गई थी। चरक सूत्र में आते हैं 30 अध्याय,
चरक निदान में, विमान में एंड शरीर स्थान में है 8-8 अध्याय, इंद्रिय स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान में है 12-12 अध्याय एंड चिकित्सा स्थान में है 30, ठीक है, तो टोटल हुए 120 अध्याय। जो सूत्र स्थान है इसको 7 चतुष्कों में लिखा गया है एंड 2 संग्रह अध्याय होते हैं। 7 चतुष्क, इसमें क्वेश्चन रखे पूछ ले जाते हैं कि कौन सा चतुष्क कौन से नंबर का है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे है भेषज, सेकंड पे है स्वस्थ, तीसरे पे है निर्देश, फोर्थ पे है कल्प और कल्पना एंड फिफ्थ पे है रोग चतुष्क एंड सिक्स्थ है योजना चतुष्क एंड सेवन्थ है अन्नपान चतुष्क, ठीक है। तो ये हो गए 7 चतुष्क, मतलब इसमें 28 चैप्टर है, एक एक चतुष्क में 4-4 अध्याय हैं और इसके बाद है 2 संग्रह द्वय, तो टोटल हो गए सूत्र स्थान में 30 अध्याय। अच्छा, आयुर्वेद का जो अधिकरण है वो त्रिदंडात्मक पुरुष कहा गया है, इसमें हमें मिलते हैं सत्व, आत्मा और शरीर। त्रिदंडात्मक पुरुष को ही पुमान भी बोला गया है, लोक भी बोला गया है। त्रि सूत्र और या फिर त्रिस्कंध किसे कहते हैं, त्रिसूत्र, त्रिस्कंध हम हेतुलिंग औषध को बोलते हैं और स्कंध त्रय किसको बोलते हैं, हेतु दोष द्रव्य को। त्रिस्तंभ, त्रिस्तंभ है वात पित्त कफ, इनको हम त्रिस्थून भी कहते हैं, त्रिदोष भी कहते हैं। और कारण द्रव्य कितने होते हैं, 9, खादिन्य मतलब पंच महाभूत एंड आत्मा मन काल दिशा, ठीक है। और इसके बाद है कि अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय है अभिधेय प्रयोजन संबंध अधिकारी, अभिधेय प्रयोजन संबंध अधिकारी। एंड नेक्स्ट इज रस, रस की योनि क्या है, जल, विष की योनि भी जल मानी जाती है। आस्थापन वस्ती, आस्थापन वस्ती को बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, पाटला। रस का आधार द्रव्य क्या है, रस का आधार द्रव्य है जल और पृथ्वी, जो कि प्रधान कारण है। अब अगर हम ये भी क्वेश्चन आता है कि रस का जो निवृत्ति द्रव्य कौन सा है, दैट इज़ जल एंड पृथ्वी, रस का उत्पत्ति द्रव्य है जल एंड पृथ्वी, आधार द्रव्य, निवृत्ति, उत्पत्ति, तीनों में जल एंड पृथ्वी आएंगे। विशिष्ट रस की अभिव्यक्ति, विशिष्ट रस मतलब कुछ कोई भी स्पेसिफिक रस, जैसे कि मधुर हो गया या लवण हो गया या कटु हो गया, तिक्त हो गया, कोई भी विशिष्ट रस, उसकी अभिव्यक्ति किससे होती है, वायु से, आकाश से, अग्नि से। ये तीनों जो तत्व हैं ये तीनों अलग अलग रसों में अलग अलग प्रोपोर्शंस में पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज कफ का शमन करने वाला, पित्त का अधोमार्ग से निष्कासन करने वाला, वायु का अनुलोमन करने वाला, पांडु के लिए हितकर। ये सब जो बेनिफिट्स हैं ये किसके बताए गए हैं गुण, ये हैं मूत्र के गुण बताए गए हैं। एंड शारीरिक रोग की चिकित्सा देव व्यापाश्रय या युक्ति व्यापाश्रय से की जाती है। एंड मानसिक रोगों की चिकित्सा की जाती है धी धृति धैर्य से। और षटशोधन वृक्ष, अश्मंतक अर्क स्नूही पूति तिलवक कृष्ण गंधा, अश्मंतक अर्क स्नूही पूति तिलवक कृष्ण गंधा, अश्मंतक अर्क स्नूही का शीर यूज़ होता है, पूति तिलवक कृष्ण गंधा इनकी त्वचा यूज़ होती है। अश्मंतक वमन के लिए, अर्क वमन और विरेचन में काम आता है, स्नूही विरेचन में, पूतिक विरेचन में, तिलवक विरेचन में, कृष्णगंधा स्किन डिसऑर्डर्स में, विसर्प वगैरह के लिए काम आता है। ये वागु कितने हैं, 28, जिसमें 22 ये वागु हैं एंड 6 पेया है। कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट ये वागु बता देती हूँ क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पाचनी ये वागु, पाचनी ये वागु में दधि रहता है, बिल्व चांगेरी तक्र दाढ़िम, दधि बिल्व चांगेरी तक्र दाढ़िम। पिपासा घन में मृदिका सारिवा लाजा, विषघन में सोमराजी, विषम ज्वर में गाय का मांस, विषम ज्वर गाय मांस हमेशा याद रखिए एंड अमल, ठीक है। शुक्र रोगों में मुर्गे का मांस, वृष्य में स माश घृत और शीर, माश मतलब कि उड़द, इसको आचार्य चरक ने कौंच के बराबर वृष्य कहा है और श्रेष्ठ वृष्यों में माश आती है। मद नाशक उपोदिका और दधि, अपमार्ग शीर और गोधा रस ये शुद्धानाशक है। और शूलग्नि और दीपनी पंचकोल ये वागु, शूलग्नि और दीपनी ये वागु, इसमें पंचकोल आते हैं। रक्त अतिसार, रक्त अतिसार में पयस्या अधोदगे छागे, पयस्या अधोदगे छागे मतलब जो बकरी का दूध है उसमें आधा पानी मिला लेना। इसके साथ ही हरीबेर और उत्पल नागर, ये भी रक्त अतिसार में प्रयोग होते हैं, हरीबेर उत्पल नागर। और जो वरा का मांस है दैट इज़ यूज्ड इन भृंगणीय यवागु। इसके बाद
जो गवेदुक प्लस शहद, गवेदुक मतलब कि भुना हुआ जो गेहूं होता है उसमें शहद अगर मिला लेंगे दैट इज़ यूज टू लूज वेट, काशर यवागु में यूज़ होता है। सौवीरांजन का प्रयोग डेली होता है, रसांजन का प्रयोग 5 से 8 रात्रि के अंतराल में, और वाग्भट ने बताया है सप्तरात्रि। धूमवर्ती की लंबाई जो होती है वो 8 अंगुल है और अंगुष्ठोदर प्रमाण है। नस्य जो प्रयोग होता है साधारण ऋतुओं में प्रयोग होता है प्रावृत, शरद और वसंत, ये साधारण ऋतु हैं प्रावृत, शरद, वसंत। दंत धावन इसका दिन में 2 बार प्रयोग बताया है आचार्य ने। धूम की निवृत्ति प्रयोगिक धूम में 2 बार, स्नेहिक में 1 बार एंड वैरेचिक में 3 से 4 बार। जो प्रयोगिक धूम होता है उसको इनहेल हम नस्य मतलब नाक से करते हैं नस्य, एंड स्नेहिक धूम को मुख और नस्य दोनों से, एंड वैरेचिक धूम को नस्य से। और जो इसको बाहर निकालते हैं जब हम एक्सहेल करते हैं तो इसको मुख से ही निकाला जाता है, निवृत्ति धूम की हमेशा मुख से ही निकलती है, ठीक है। और कासगन और वामक इसको हम लेते हैं कैसे, इनहेल कैसे करते हैं मुख से और निकालते भी मुख से हैं। फिर से सुनिए, प्रयोगिक धूम फ्रॉम नस्य और स्नेहिक नस्य एंड मुख दोनों से ले सकते हैं, वैरेचनिक नस्य से लेते हैं, कासगन और वामक धूम जो होता है वो भी मुख से लेते हैं एंड निकालते सबको मुख से ही हैं। इसके बाद आ जाता है अनुतेल। अनुतेल पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें सबसे पहले अब देखिए डोज़ क्या है, डोज़ है अर्धपल मात्रा, अर्धपल मतलब आधा पल, एक पल में कितना तोला होता है 4 तोला, तो आधे पल में 2 तोला, तो 2 तोले की मात्रा में मतलब अर्धपल मात्रा में हमने दिन में 3 बार लेना है अनुतेल प्रयोग करना है, एंड इसको हमने 7 टाइम्स प्रयोग करना है एवरी ऑल्टरनेट डे। मतलब कि अगर फर्स्ट को प्रयोग किया है तो 3 तारीख को, फिर उसके बाद 5th को, फिर 7th को, फिर 9th को, फिर 11th को, फिर 13th को, ऐसे 7 टाइम्स हमने प्रयोग करना है अप टू 13 डेज। और शोधनार्थ इसका प्रयोग कौन से ऋतु में करना चाहिए, अगर वात दोष हरना है तो उसको श्रावण में प्रयोग करना चाहिए, पित्त के लिए अगहन ऋतु है एंड कफ के लिए चैत्र ऋतु। एंड इसके बाद आ जाता है गर्म जल का प्रयोग कौन से ऋतु में करना चाहिए, हेमंत ऋतु में। कुएँ का जल इसका वर्षा ऋतु में प्रयोग करना चाहिए। संशोधन के लिए सबसे बेस्ट ऋतु कौन सी है, वसंत ऋतु। एंड साधारण कर्म कौन से ऋतु में करने चाहिए, साधारण कर्म जो होते हैं वो त्रिदोष नाशक होते हैं और इसको हमें वर्षा ऋतु में प्रयोग करना चाहिए क्योंकि वर्षा ऋतु में त्रिदोष जो होते हैं एग्रेसिव हो जाते हैं, त्रिदोष प्रकोपित ऋतु जो होती है वो वर्षा ऋतु होती है, तो वर्षा ऋतु में त्रिदोष नाशक साधारण कर्म करने चाहिए। एंड विरेचन और रक्त मोक्षण के लिए बेस्ट ऋतु कौन सी है, शरद ऋतु। माध्यमिक ऋतु के लिए वसंत ऋतु, एंड दधि शीर और वसा का प्रयोग शरद ऋतु में नहीं करना चाहिए। और इसके बाद है व्याम और मैथुन का प्रयोग ग्रीष्म और वर्षा में नहीं करना चाहिए, उदमंत का प्रयोग हेमंत ऋतु में करना चाहिए एंड वसंत में करना चाहिए। इसके बाद है कि जो वेग धारण अधारणीय वेग को अगर हमने धारण कर लिया तो उसकी क्या चिकित्सा होनी चाहिए। दोस्तों इसका गोविंद पारिक में, क्योंकि हम ये गोविंद पारिक का रिवीजन बूस्टर कर रहे हैं तो इसके कुछ सेलेक्टिव से ही हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे वेग जो जिनकी चिकित्सा बताई है, बाकी हम जो मेन कोर्स जब पढ़ाई करेंगे तो उसमें सारा डिटेल लेंगे। तो इसमें बताया है कि अगर मूत्र वेग को हमने धारण कर लिया तो उसकी चिकित्सा क्या होनी चाहिए, उसकी चिकित्सा है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अवपीड सर्पी। अवपीड सर्पी का प्रयोग कब करना चाहिए, अवपीड सर्पी का प्रयोग प्राग भक्तम मतलब भोजन करने से पहले एंड जीर्णम भोजन के पच जाने के बाद अवपीड सर्पी। और इसके साथ है दूसरा है त्रिविध बस्ति का प्रयोग, अनुवासन स्थापन एंड नीरोबस्ति। और इसके बाद शुक्र का वेग अगर हमने धारण कर लिया तो इसमें मैथुन और चरायुधा मतलब कि मुर्गे का मांस प्रयोग करना चाहिए। छर्दी का वेग धारण करने से वमन, उपवास, रक्त मोक्षण एंड विरेचन, ये 4 कर्म करने चाहिए। एंड नेक्स्ट इज श्वेतु, छींक का वेग हमने अगर रोक लिया तो उस केस में वायुनाशक चिकित्सा करनी चाहिए एंड भोजन के बाद घृतपान करवाना चाहिए। उद्गार में अगर हमने उसका वेग धारण कर लिया तो उस केस में उद्गार वेग धारण में हमें हिक्का के समान चिकित्सा करनी चाहिए, उद्गार हिक्का समान चिकित्सा। अश्रु का वेग धारण करने से मद्यपान और कथाएँ जो होती हैं उसका श्रवण करना चाहिए। और जंभा का वेग धारण करने से हमें श्वेतु के समान चिकित्सा करनी चाहिए। और इसके बाद लक्षण, कौन सा वेग धारण करने से क्या लक्षण होते हैं, शिरशूल अगर हो तो हमने कौन सा वेग धारण किया है जिससे शिरशूल का लक्षण होता है, मूत्रवेग, पुरीषवेग एंड श्वेतु का वेग, मूत्र, पुरीष, श्वेतु। विनाम मतलब कि झुकना, ये किसके वेग धारण करने से होता है,
मूत्र का वेग और जृम्भा का। गुल्म, गुल्म का आचार्य चरक ने निश्वास का वेग धारण करने से गुल्म का होना बताया है। इसके साथ ही आचार्य वाग्भट ने निश्वास के साथ अपान वायु का वेग धारण करके भी गुल्म होना बताया है। अच्छा, दधि सेवन का अगर हम नाइट में, रात में सेवन करें तो हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हमें ज्वर हो सकता है और इसके साथ ही रक्तपित्त हो सकता है, विसर्प हो सकता है, कुष्ठ हो सकता है, पांडु कामला भ्रम। ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु कामला और भ्रम। सद्व्रत का पालन करने से दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक तो है आरोग्य और दूसरा है इंद्रजय। श्रेष्ठ शीततम रस कौन सा है? मधुर रस। श्रेष्ठ गुरुतम मधुर रस। श्रेष्ठ स्निग्धतम रस है मधुर रस। श्रेष्ठ रूक्षतम रस है कषाय रस। एंड श्रेष्ठ उष्णतम रस है लवण रस। आचार्य चरक ने श्रेष्ठ लघुतम रस तिक्त रस को कहा है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने श्रेष्ठ लघुतम रस बोला है कषाय रस को। नैसर्गिक बल का जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा नैसर्गिक बल किस में होता है? प्रभाव में। प्रभाव, देन वीर्य, देन विपाक, देन रस। प्रभाव, वीर्य, विपाक, रस। पूर्व में सेवन किए हुए रसों का ज्ञान कौन से रस से होता है? अमल रस से। जीवा शक्ति नाशक रस है तिक्त रस। एंड जीवा में जकड़ाहट पैदा करने वाला रस कौन सा है? कषाय रस। दुष्ट रसज विकार कौन से हैं? ज्वर, तमः प्रवेश, क्लैब्बे, पालित्य, पांडु। एंड कामला जो है वो रक्तज विकार में है। धातु प्रदोषज विकारों की चिकित्सा, रसज धातु की, रसज जो विकार है उसमें चिकित्सा कौन सी होनी चाहिए? लंघन। रक्तज में रक्तमोक्षण, विरेचन, उपवास। मांसज में संशोधन, क्षार और अग्नि का प्रयोग। मेद में मेदनाशक चिकित्सा। अस्थि में तिक्त वर्ग से साधित जो द्रव्य होते हैं उनका सेवन। एंड तिक्त वर्ग सिद्ध वस्तुओं का सेवन और पंचकर्म। मज्जा में मैथुन, व्याम, पंचकर्म, मधुर तिक्त का सेवन। और शुक्र का मज्जा के समान ही चिकित्सा की जाती है, मधुर तिक्त का सेवन, मैथुन, व्याम एंड पंचकर्म। एंड नेक्स्ट इज श्रेष्ठ भाव, सभी भावों में श्रेष्ठ भाव कौन सा है? ब्रह्मचर्य। प्राणी नाम प्राण वर्धना नाम, प्राणियों के प्राण का वर्धन किससे होता है? अहिंसा से। हर्षणा नाम के लिए श्रेष्ठ भाव क्या है? तत्व ज्ञान। बलवर्धक क्या है? वीर्य। नंदना नाम, इसके लिए श्रेष्ठ भाव कौन सा है? इंद्रिय जय। ब्रह्मचर्य सभी भावों में श्रेष्ठ भाव है। एंड भृंगणा नाम भृंगण, भृंगण से भृंगणा नाम होता है। एंड नेक्स्ट इज उदकम, उदकम मतलब जल, इसका कार्य क्या है? उदकम क्लेदयति, क्लेदन करना। लवणम का विषंदयति, क्षार का पाच्यति, मधु का संधानकारक, शीर का जीव्यति, मांस का भृंगणयति और रस का प्रीणयति, प्रीणन करना मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सुरा का जर्जरी करोति, जर्जरी करोति मतलब कि मसल्स में, मांसपेशी में शिथिलता कर देना। सिद्धू, सिद्धू मतलब कि गन्ने से बनाई हुई जो मद होती है, सिद्धू का क्या काम है? लेखन करना। ठीक है, लेखन करना मतलब कि काशर्य करोति, इसको उपधमयति भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज द्राक्षासव, द्राक्षासव दीपनम के लिए काम आता है। एंड आचार्य वाग्भट ने द्राक्षासव को परम दीपनीय कहा है और इसका जो डिस्क्रिप्शन है मध्य वर्ग में आता है अष्टांग संग्रह के। फाणित संग्राही होती है। एंड इसके बाद दधि जो होता है शोफकारक है। एंड तक्र शोफनाशक है। अर्श में एंड ग्राही में भी इसका ये यूज़ आती है, अर्श, ग्राही, शोफनाशक एंड घृत व्यापद में इसका प्रयोग किया जाता है। पिण्याक ग्लानिकारक, माश का जो सूप है, उड़द का सूप, वो बहुमल कारक होता है। एंड क्षार जो है दृष्टि नाशक है एंड शुक्रनाशक है। इसके बाद शमी धान्यों में श्रेष्ठ धान्य कौन सा है? माश। मांस का क्या कार्य होता है? पुंसत्व कारक होता है एंड बहुमल उत्पादक होता है। कुल्थी, कुल्थी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी इसका प्रयोग होता है। ये ग्राही होती है क्योंकि अम्ल है तो ग्राही है कुल्थी। श्वास कास में इसका प्रयोग है एंड अर्श में इसका प्रयोग किया जाता है। मोठ, मसूर जो होती है संग्राही होती है। एंड मकुष्ठ मतलब मोठ, रक्तपित्त में और ज्वर में हितकारी है। एंड मसूर जो है संग्राही है। इसके बाद है अन्नपान विषय परीक्षक भाव। अन्नपान की परीक्षय भाव जो होते हैं आचार्य चरक ने 9 बताए हैं। चर शरीर, अवयव, स्वभाव, धातु क्रिया, लिंग प्रमाण, संस्कार, मात्रा। और सेम भाव जो है आचार्य सुश्रुत ने मास की परीक्षा हेतु बताए हैं 9 भाव। चर शरीर, अवयव, स्वभाव, धातु क्रिया,
लिंग प्रमाण, संस्कार मात्रा। 9 परीक्षक मनुष्य गुण कौन से होते हैं? ये है श्रुति, धृति, स्मृति, दक्ष, बुद्धि, वाग विशुद्धि, क्षमा, ये सब मतलब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। हमारे YouTube चैनल पर क्रैश कोर्स क्लासेस जो चरक संहिता के ऊपर दी गई हैं, एक बार आप उनको सुन लेंगे तो ये रिवीजन बूस्टर आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय के पर्याय, हृदय के पर्याय होते हैं 2, महत अर्थ, और हृदय से निकलने वाली 10 धमनियों को अर्थदश महामूला भी कहते हैं, और क्योंकि ये ओज का वहन करती है इसलिए इनको ओजोवहनी धमनियाँ भी बोलते हैं। अब आचार्य चरक सुश्रुत वाग्भट के द्वारा अष्टांग आयुर्वेद का जो क्रम दिया गया है उसे देखिए, उसे सुनिए। आचार्य चरक ने बताया है, क्योंकि इसमें काय चिकित्सा प्रधान है, तो काय शालाक के शल्ले, विष कर वैरोधिक प्रशमन मतलब अगत तंत्र, देन भूत विद्या कुमार भृत्य रसायन वाजीकरण, तीनों आचार्य ने लास्ट में रसायन वाजीकरण ही रखा है, तो रसायन एंड वाजीकरण लास्ट में रहेगा। तो चरक के अकॉर्डिंग काय चिकित्सा, काय शालक के शल्ले, अगत भूत कुमार रसायन वाजीकरण, एंड देन सुश्रुत द्वारा, क्योंकि शल्ले प्रधान है, सर्जरी पार्ट प्रधान है सुश्रुत संहिता का, शल्ले शालाके भूत विद्या कुमार भृत्य अगध रसायन वाजीकरण। शल्ले शालाके पहला तो दोनों याद हो ही जाएंगे, शल्ले शालाके एंड देन भूत विद्या, भूत कुमार भृत्य एंड अगध, शल्ले शालाके काय भूत कुमार भृत्य अगध। और नेक्स्ट है आचार्य वाग्भट द्वारा काय बालग्रह ऊर्ध्वांग मतलब शालाके शल्ले, दृष्टा यहाँ अगध आ जाता है, जरा वृषा, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्ले दृष्टा जरा वृषा। फिर से सुनिए, काय चिकित्सा चरक द्वारा काय शालाके शल्ले अगध भूत कुमार रसायन वाजीकरण, आचार्य सुश्रुत शल्ले शालाके काय भूत कुमार अगध रसायन वाजीकरण, काय भूत कुमार अगध रसायन वाजीकरण, आचार्य भागवत काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्ले दृष्टा जरा वृषा। एक भिषक दूसरे भिषक की जब परीक्षा लेता है तो उससे कितने क्वेश्चंस पूछता है? 8। ये 8 क्वेश्चंस कौन से हैं? तंत्र तंत्र अर्थ, स्थान स्थान अर्थ, अध्याय अध्याय अर्थ, प्रश्न प्रश्न अर्थ। इन 8 क्वेश्चंस के द्वारा वो उससे पूरी संहिता का ज्ञान ले लेता है कि उसको शास्त्र ज्ञान है भी है कि नहीं है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सबसे पहले तंत्र आता है, तंत्र में स्थान आता है, स्थान में अध्याय आते हैं, अध्याय में प्रश्न आते हैं, ठीक है। एंड देन आयुर्वेद के पर्याय क्या हैं? तत्र आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्र ज्ञान लक्षण, शाखा विद्या सूत्र ज्ञान लक्षण। लक्षण को लिंग का भी पर्याय बताया गया है, लिंग मतलब मेड़, इसका भी पर्याय बताया गया है, और निदान पंचक में भी लक्षण का वर्णन आता है। अब अलग अलग स्थानों को क्या क्या कहा गया है? सूत्र स्थान को श्लोक स्थान कहा गया है, चिकित्सा स्थान को औषध स्थान, कल्प को विकल्प स्थान, और दिव्य स्थान भी कहते हैं इसको, इंद्रिय स्थान को अरिष्ट स्थान, निदान स्थान को निग्रह स्थान, सिद्धि को सिद्धि ही कहा गया है, एंड शरीर स्थान को आश्रय स्थान भी बोला गया है, और आचार्य काश्यप ने शरीर स्थान को आत्मनिश्चय स्थान भी कहा है, विमान स्थान को मान स्थान कहते हैं। अब तंत्र की परिभाषा क्या है? निरुक्ति तंत्राण तंत्रम मतलब कि जो गाइडेंस देता है। स्थान की परिभाषा क्या है? स्थानम अर्थ प्रतिष्ठा, अर्थ का मतलब विषय, मतलब जहाँ विषय का वर्णन किया गया हो, विषय को जगह दी गई हो उसे स्थान कहते हैं, विषय को प्रतिष्ठित किया गया हो उसे स्थान कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि अर्थ प्रतिष्ठा किसको कहा गया है, तो आंसर है स्थान को। अध्याय अधिकृत्य अर्थ अध्याय, जहाँ पे विषय का एक पर्टिकुलर वर्णन किया गया हो उसको अध्याय कहते हैं, अधिकृत्य अधिकृत्य अर्थ अध्याय। अच्छा, इसके बाद है व्याधि। व्याधि के पर्याय क्या है? व्याधि गद आम में आतंक पापमा और आपात ज्वर विकार रोग, व्याधि गद आम में आतंक पापमा यक्ष्मा ज्वर विकार रोग। यक्ष्मा के पर्याय क्या है? क्रोध दुख ज्वर रोग यक्ष्मा। रोग या सॉरी रूप या लक्षण के पर्याय क्या है? लिंग आकृति चिन्ह लक्षण रूप। ज्वर और व्याधि के कॉमन 3 पर्याय हैं, वो कौन से हैं? गद आम में यक्ष्मा। इसके बाद हम आ जाते हैं हेतु पे।
हेतु सबसे पहले है सन्निकृष्ट हेतु। हेतु मतलब कारण, तो सन्निकृष्ट हेतु मतलब कि जो बहुत पास का कारण हो, मतलब ऐसा कारण जिससे सदैव उसी टाइम व्याधि हो जाती है। विप्रकृष्ट हेतु जिससे कालांतर व्याधि होती है, मतलब दूर का कारण, ठीक है। जैसे कि हेमंत ऋतु में कफ का संचय हुआ है और वसंत में सूर्य प्रकोप से प्रकोप हो गया, मतलब संचय हेमंत में हुआ फिर वसंत में जाके उसका प्रकोप हुआ, दूर का कारण, यह है विप्रकृष्ट हेतु। व्याभिचारी हेतु, इसको दुर्बल हेतु भी कहते हैं, मतलब अल्प मिथ्य आहार विहार से जब व्याधि हो। इसके बाद प्रधानिक हेतु, ऐसा हेतु जिसका सेवन करने से निश्चित ही रोग होगा ही होगा, जैसे कि विष का सेवन करने से रोग होना ही है। एंड देन दोष हेतु, मतलब कि जैसे रुक्ष द्रव्य को सेवन करके वात दोष प्रकोपित हो गया, ठीक है। एंड देन व्याधि हेतु, जो व्याधि उत्पादक हो, मृतिका भक्षण से पांडु का उत्पादन होता है, ठीक है। उभय हेतु, जो दो दोषों को उभय हेतु, जैसे कि ऐसा हेतु जिसका सेवन करने से वात दोष प्रकोपित हो जाए, रक्त भी प्रकोपित हो जाए, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, जैसे वात रक्त हो, दोष और दूषित दोनों को प्रकोपित करके व्याधि उत्पन्न करे। उत्पादक हेतु, जो व्याधि को उत्पन्न करता है। व्यंजक हेतु, इसको प्रेरक हेतु भी कहते हैं, प्रकोपक हेतु भी कहते हैं, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि हेमंत ऋतु में कफ का प्रकोप हुआ और वसंत ऋतु में हेमंत ऋतु में कफ का संचय हुआ एंड वसंत में सूर्य के ताप से कफ का प्रकोप हो गया। तो कफ का संचय तो हेमंत में हुआ था, लेकिन सूर्य के ताप से कफ का प्रकोप हो गया, तो इसमें जो सूर्य का ताप है वो प्रकोपक या व्यंजक हेतु है, ठीक है। सूर्य के ताप से कफ का प्रकोप हुआ, ठीक है। और तो हमने हेतु कितने पढ़े, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी हेतु, दोष हेतु, प्रधानिक हेतु, उभय हेतु, उत्पादक हेतु, व्यंजक हेतु। अच्छा, उपद्रव देखें तो वातज गुल्म में, पित्तज गुल्म में, कफज गुल्म में क्या क्या उपद्रव होते हैं। वातज गुल्म में उपद्रव होते हैं प्लीहा, उदावर्त और वृतान रोग। पित्तज गुल्म में पित्तज है तो ज्वर उपद्रव होगा। एंड देन नेक्स्ट इज विडभेद। एंड देन कफज में रेस्पिरेटरी उपद्रव, रिलेटेड उपद्रव भी आएंगे, जैसे कि क्वास, श्वास, प्रतिशय। और इसके बाद जो प्रमेह है, प्रमेह के उपद्रव क्या है, केश जटिला भाव, मुख माधुर्य, मतलब केशों का जटिल होना, मुख में माधुर्य, करपात दाह, पैरों में जलन होनी, सुप्तता, नंबनेस होनी, षटपद पपीलिका, शरीर और मूत्र पर कीड़े मकोड़ों का आना। और इसके अलावा काय छिद्रेशु उपदह, काय छिद्रेशु उपदेह मतलब कि जो शरीर के छिद्र हैं उसमें मैल का जम जाना। काय छिद्रेशु उपद्रह प्रमेह के साथ साथ कुष्ठ का भी उपद्रव है। एंड देन राज्यशमा का उपद्रव क्या है, दोष दर्शनम अल्प दोषेशु, मतलब कि दोषों का अल्प होना या ना होना, कम दोष है या नहीं है दोष, फिर भी दोष का दर्शन होना, घृणा होने और अपने बाहों का प्रमाण बार बार लेना कि कितनी कष्टता आ गई है, और तालाब नदी नालों को सपनों में सूखा हुआ देखना, भुक्तवत आसे मतलब कि खाना खाने के टाइम नौजिया फील होना, तो ये सब राज्यशमा के उपद्रव हैं। एंड देन प्रमेह का उत्पत्ति कारक क्या है, कफ, मेद और मूत्र का अत्यधिक उत्पादन होना। इसके बाद प्रमेह के दोषे कितने हैं, 10। 10 में से अस्थि को छोड़कर 6 धातुएं होगी। एंड ओज लसिका वसा मज्जा, ये 4 दोषे हो गए, ठीक है, लसिका, ओज, वसा, मज्जा। और इसके बाद प्रमेह त्रिदोषक है, लेकिन प्रधान दोष कफज है एंड प्रधान दोषे जो है मेद है। निदान अर्थकर रोग, निदान अर्थकर रोग क्या होते हैं, ऐसे रोग जो दूसरे रोगों की उत्पत्ति का कारण होते हैं, जैसे कि ज्वर से रक्तपित हो गया, रक्तपित से ज्वर हो गया। इसमें से दोस्तों क्वेश्चन आता ही है, ज्वर से रक्तपित, रक्तपित से ज्वर, रक्तपित और ज्वर दोनों से राज्यक्षमा हो जाता है। प्लीहा वृद्धि से उदर रोग एंड गुल्म होता है, और प्लीहा वृद्धि से जठर रोग भी होता है जिससे शोथ हो जाता है, और प्रतिशय से कास, कास से क्षय, क्षय से यक्ष्मा होता है। तो ये सारे निदान अर्थ का रोग थे। राशि के कितने भेद हैं, 2, सर्वग्रह, परिग्रह। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सर्वग्रह होता है इसका एग्जांपल है, जैसे कि अगर 2 किलो राशन है देन इट इज़ सर्वग्रह। एंड परिग्रह होता है कि 2 किलो राशन में अलग अलग क्वांटिटीज़ का होना, जैसे कि 2 किलो राशन में गेहूँ आधा किलो हो गया, 250 ग्राम चावल हो गया, आधा किलो मक्की होगी, इस तरह से उसको परिग्रह बोलेंगे। अष्टाहार विधि विशेष आयतन,
प्रकृति संयोग राशि, देश काल उपयोग संस्था उपयोगता। उपयोग के नियमों को हम उपयोग संस्था बोलते हैं एंड ये दो लक्षणों की अपेक्षा करता है। एक तो है जीर्ण अजीर्ण। ओग साथ में क्या होता है, किसी भी चीज़ का बार बार प्रैक्टिस यानी कि सेवन करने से वो चीज़ साथ में हो जाए, जैसे विष का सेवन करने से विष साथ में हो जाता है। नेक्स्ट इज आम दोष। आम दोष कितने प्रकार के होते हैं, दो, अलसक एंड विसूचिका। अलसक का मतलब होता है जो आहार आलसीभूत होकर पड़ा रहता है, जिसमें वमन विरेचन जैसे लक्षण नहीं होते हैं। एंड दूसरी ओर जो विसूचिका होता है, इसमें मतलब वमन होता है, वॉमिटिंग्स होती हैं, लूज मोशंस होते हैं, इसको विसूचिका कहते हैं। अब इसमें जो चिकित्सा क्रम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चिकित्सा क्रम अलसक में क्या है, अब आहार आलसीभूत होकर पड़ा हुआ है, उसको बाहर भी तो निकालना है, तो उसमें होगा सबसे पहले हम वमन कराएंगे, फिर उसके बाद स्वेदन कराएंगे, देन गुदवर्ती देंगे एंड देन उपवास। ठीक है, ये चार हैं, वमन, स्वेदन, गुदवर्ती एंड उपवास। और दूसरी और जो विसूचिका है, जिसमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग्स हो रही हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उसमें हम चिकित्सा क्या क्रम रहेगा, चिकित्सा क्रम रहेगा उसमें सबसे पहले लंघन, उसके बाद संसर्जन, ये दो हैं। ठीक है, तो जो लंघन करवाना है, उसके बाद जैसे विरेचन के बाद पेशेंट को हम संसर्जन क्रम करवाते हैं, विरेचन के बाद उसमें काफ़ी दुर्बलता आ जाती है, धातु क्षय हो जाता है, तो उसके बाद जैसा संसर्जन क्रम होता है, तो विरुक्त जैसे ही संसर्जन कर्म कराना है, तो विसूचिका में लंघन एंड संसर्जन कर्म, ये दोनों चिकित्सा की जाती है। एंड नेक्स्ट इज जनपद उद्वंस। जनपद उद्वंस का जो दुष्परिहार का क्रम है वो क्या है, सबसे ज़्यादा सबसे पहले आता है काल, काल के बाद आता है देश, देश के बाद जल एंड देन वायु। मतलब काल ही अगर दूषित हो गया तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, टाइम ख़राब है तो देन वी कैन डू नथिंग। तो सबसे जो भारी होता है काल, फिर उसके कम होता है देश, देन जल वायु, काल देश जल वायु। और इसके बाद है साथ में कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, ये सूत्र स्थान में दिए गए हैं, चार प्रकार के साथ में, देश साथ में, ऋतु साथ में, ओग साथ में, रोग साथ में। ठीक है, देश, ऋतु, रोग एंड ओग साथ में, ये सूत्र स्थान के अकॉर्डिंग चार साथ में है। विमान स्थान के अकॉर्डिंग कितने साथ में है, तीन प्रकार के साथ में है, दैट इज़ प्रवर, मध्यम, अवर। और इसके बाद रस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सात प्रकार के साथ में आते हैं, छह तो रस हो गए, मधुर रस साथ में, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो छह रस साथ में हो गया अलग अलग, एंड एक हो गया सर्व रस साथ में। तो रस के अकॉर्डिंग सात प्रकार के साथ में, विमान स्थान में तीन प्रकार के साथ में बताएं, सूत्र स्थान में चार प्रकार के साथ में बताए हैं, देश, ऋतु, रोग, ओक साथ में। और इसके बाद जनपद उद्वंस की जो चिकित्सा होती है वो क्या होती है, जिसमें जिसको रोग हो गया उसको तो पंचकर्म से चिकित्सा करते हैं, और जनपद उद्वंस में जिसको रोग नहीं हुआ है उसको रसायन चिकित्सा करते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, पुष्ट करते हैं रोगी को। अब जैसे कोविड टाइम्स में जिनको कोविड हो गया तो उनकी चिकित्सा हमने की, और जिनको नहीं हुआ तो हम इम्यूनिटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं उनमें। तो पंचकर्म, रसायन चिकित्सा एंड देव्य पार्श्व चिकित्सा, ये तीन चिकित्सा कर्म होते हैं जनपद उद्वंस में। जनपद उद्वंस की योनि क्या है, प्रज्ञापात, एंड जनपद उद्वंस का मूल क्या है, अधर्म और पूर्व जन्मकृत असत कर्म। ठीक है, एंड आचार्य चरक ने वातपित, कफ और मन के स्रोत संपूर्ण शरीर को माना है, चेतन जो जिसे हम बोलते हैं उस शरीर को हम आचार्य चरक ने स्रोत माना है। और स्रोत के पर्याय क्या हैं, सिरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाड़ी, पंथ, मार्ग, शरीर छिद्र, स्थान, आश्रय, निकेत, ये स्रोत के पर्याय हैं। फिर से सुनिए, सिरा, धमनी, रसायनी, रस वाहिनी, निकेत, नाड़ी, पंथ, मार्ग, शरीर छिद्र, स्थान, आश्रय, निकेत। और इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि स्नायु बताइए स्रोत का मार्ग है कि नहीं, तो सिरा स्रोत का मार्ग है, सॉरी पर्याय है, एंड स्नायु स्रोत का पर्याय नहीं है। और क्योंकि ये जितने भी पर्याय हैं इसमें सब में एक कॉमन चीज़ है, क्योंकि स्रोत में वहन होता है। ठीक है, रस का वहन हो गया, रक्त का वहन हो गया, तो स्रोत एक चैनल है, ठीक है, जो अंदर से हॉलो होता है, एंड ये जैसे धमनी है, रसायनी, रसवाहिनी, ये सब अंदर से हॉलो होते हैं जो कि धातुओं का वहन करते हैं। एंड नेक्स्ट इज़
अग्नि का पता कैसे चलता है? जरण शक्ति से, बल का व्याम शक्ति से, रज का मोह से, रज का प्रीति से, मोह का अज्ञानता से, क्रोध का अभिद्रोह से, हर्ष का आमोद से, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीति का तोष से, भय का विषाद, श्रद्धा का अभिप्राय से, मेधा का ग्रहण शक्ति से, संज्ञा का नाम ग्रहण से, मतलब कि अगर कोई पेशेंट है, अनकॉन्शियस है, तो हम उसे पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, मतलब कि टाइम प्लेस नेम ओरिएंटेड है कि नहीं है, तो उसे संज्ञा का पता चलता है, वीर्य का उत्थान से, व्याधि का वेदना से, गूढ़ लिंग व्याधि की परीक्षा कैसे की जाती है, उपशय अनुपशय से, विज्ञान का पता कैसे चलता है, व्यवसाय से, स्मृति का स्मरण शक्ति से, द्वेष का होता है प्रतिषेध से, उपाधि का अनुबंध एंड धृति का अलौल्य से, वश्यता का कोई किसके कितने वश में है, वो है आज्ञा का मानने से, जितनी आज्ञा मानेगा वो उसका उतने ही वश में है, तो वश्यता का आज्ञा मानने से, व्याधि का वेदना से मैंने आपको बताया, एंड सातवें का उपशय से, भक्ति का द्वेष से, व्यय का होता है काल से, गृहिणी का कि गृहिणी मृदु है कठोर है ये प्रश्न से, एंड अरिष्ट का वर्णन होता है आयु के क्षय से, एंड इसके बाद है सहज कृमि जो हमारे शरीर के लिए फ्रेंडली होते हैं, ऐसे कृमि आचार्य चरक ने सहज कृमियों का हमारे शरीर में होना माना है, और कृमियों की चिकित्सा का क्या क्रम है, सबसे पहले जो आद्यात क्रम है, मतलब सबसे पहला क्रम है अपकर्षण, देन प्रकृति विद्या, देन निदान परिवर्जन, अपकर्षण, प्रकृति विद्या, निदान परिवर्जन, संभाषा के कितने भेद हैं, दो, संध्याय संभाषा एंड विग्रह संभाषा, संध्याय संभाषा को अनुलोम संभाषा भी बोलते हैं जो फ्रेंडली होती है, विग्रह संभाषा जो होते हैं प्रतिलोम संभाषा, और पर संभाषा के भेद कितने होते हैं, तीन, प्रवर सम एंड प्रत्यवर, ठीक है, प्रवर मतलब कि जो अच्छा हो एंड प्रत्यवर होता है जो श्रेष्ठ हो इस तरह से, एंड पर परिषेध के दो भेद होते हैं, मूढ़वती एंड ज्ञानवती, और इसके छह भेद भी बताए गए हैं, सबसे पहले सूरत उदासीन एंड परिनिविष्ट, इसके आगे आगे अगर दो भेद बताएं, सूरत के दो, उदासीन के दो एंड प्रतिनिविष्ट के दो, तो छह हो जाएंगे, सूरत मतलब होता है कि जो संभाषा हमारे ही मतलब अकॉर्डिंग करी जाए, ठीक है, उदासीन होता है कि कोई डिफरेंट संभाषा करी जाए, प्रतिनिविष्ट होता है कि जो हमारे अगेंस्ट कोई संभाषा करी जाए, ठीक है, और वाद मार्ग कितने होते हैं 41, एंड इसके भेद कितने होते हैं दो, जल्प और वितंडा, ठीक है, वाद का मतलब क्या होता है, वाद का मतलब होता है कि अपने अपने पक्ष को रखकर विग्रह संभाषा करना, एंड नेक्स्ट इज कि जो जल्प होता है, जल्प का मतलब होता है जो अपने पक्ष को रखता है और संभाषा करता है, वितंडा मतलब कि जो दूसरों के पक्ष में दोष निकालता है, तद्वित संभाषा किसे कहते हैं, तद्वित संभाषा उसे कहते हैं ऐसी संभाषा, ऐसी डिस्कशन जिससे मतलब कि ज्ञान का वर्धन हो, कुशलता आए और प्रेजेंटेशन करने का हुनर आए, ठीक है, तंत्र शास्त्र का ज्ञान आए, जल्प के मैं आपको बताती हूँ कि गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, जल्प के गुण होते हैं श्रुतम विज्ञानम धारणम प्रतिभानम एंड वचन शक्ति रीति, श्रुतम मतलब कि सुनते ही याद हो जाए, विज्ञान हो, शास्त्र का ज्ञान हो, धारण शक्ति बहुत अच्छी हो, प्रतिभावान हो, और वचन शक्ति रीति मतलब अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से देना, और इसके पांच दोष कौन से होते हैं, कोपनत्वम मतलब कि दूसरे के पॉइंट्स को काटना, गुस्सा करना, कोप करना, उसके बाद अविशारदम अपने पॉइंट को ना रख पाना, भीरुत्वम डरपोक, अधारणत्वम जो मतलब कि सुन के धारण ना कर सके, ठीक है, उसके बाद है कि अवहिनत्वम जो अलर्ट ना हो, अनवहित्वम जो अलर्ट ना हो संभाषा के टाइम पे, कोपनत्वम, अविशारदक, भीरुत्वम, अधारणत्वम एंड अनवहितम, एंड नेक्स्ट इज शब्द हेतु एंड शब्द के कितने प्रकार होते हैं, चार, हेतु के कितने प्रकार हैं, चार, एंड पुनरुक्त के कितने प्रकार हैं, दो, सिद्धांत क्या होता है, जब बहुत सारे परीक्षक परीक्षा करके किसी एक निर्णय को स्थापित करते हैं उसे हम सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांत चार प्रकार के होते हैं, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युदय, पंच महाभूत कौन से प्रकार का सिद्धांत है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये है सर्वतंत्र सिद्धांत, और इसी तरह मोक्ष पुरुष ये है अधिकरण सिद्धांत, प्रतिज्ञा नाम साधे वचनम, साधे वचन को प्रतिज्ञा कहते हैं, हेतु चार प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, एतीय, उपमान,
अगर आचार्य चरक की बात की जाए, उन्होंने प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति शब्द उन्होंने अलग से बताए हैं जो और किसी आचार्य ने नहीं बताए। शब्द चार प्रकार के होते हैं, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य, अनर्थ। इसके बाद है अनुयोज्य। अनुयोज्य क्या होता है? अनुयोज्य मतलब कि जो दोषयुक्त वाक्य होता है उसको अनुयोज्य बोलते हैं। अनु का मतलब पश्चात, अनुयोज्य का मतलब जोड़ना, मतलब किसी वाक्य के पश्चात पीछे कुछ और वाक्य हम जोड़ देते हैं तो वो वाक्य दोषयुक्त हो जाता है, उसे अनुयोज्य कहते हैं। वाक्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के, न्यून, अधिक, अनर्थक, अपार्थक, विरुद्ध। पांच होते हैं, न्यून, अधिक, अनर्थक, अपार्थक, विरुद्ध। समय कितने प्रकार का होता है? तीन, आयुर्वेदिक, योगिक एंड मोक्ष शास्त्रिक। एंड नेक्स्ट इज छल। छल क्या होता है? बातों का छलावा, मतलब कि किसी ऐसे अर्थ का प्रयोग करके छल करना जिसका कोई अर्थ ही ना हो। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, वाक छल, सामान्य छल। अहेतु कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का, प्रकरण सम, संशय सम, वर्ण सम। इसके बाद है अभ्यनुज्ञा। अभ्यनुज्ञा क्या होता है? अभ्यनुज्ञा नाम सय इष्ट अनिष्ट अभियोग्य, मतलब कि इष्ट क्या होता है? जो पॉइंट्स डिस्कशन में हमारे फेवरेबल हों, एंड अनिष्ट क्या होता है? जो पॉइंट्स डिस्कशन में ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए गए जो हमारे अगेंस्ट हों। तो इष्ट अनिष्ट दोनों को जब हम स्वीकार करते हैं तब उस स्थिति को हम अभ्यनुज्ञा बोलते हैं। निग्रह स्थान। निग्रह स्थान के कितने भेद हैं? 15 बताए हैं, श्लोका में 3 बताए हैं, ठीक है। तो इसके 15 भी हो सकते हैं, 3 भेद भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई ऑप्शन आए तो आप टिक कर सकते हैं। दशविध परीक्षा। दशविध परीक्षा का क्या जो क्यों की जाती है दशविध परीक्षा? रोगी के बल को जानने के लिए दशविध परीक्षा की जाती है। और जितने भी कफ और वातज रोग हैं इसमें श्रेष्ठ क्या है? कफ और वातज रोगों में श्रेष्ठ है तेल का प्रयोग करना, ठीक है। और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ इसमें तेल है। बल अधिक्य के अगर हम क्रम को देखें तो तेल, फिर वसा, फिर मज्जा एंड लास्ट में घृत। और उसी तरह से जो पित्तज रोग हैं उसमें सबसे जो श्रेष्ठ है दैट इज़ घृत, मज्जा, वसा और तेल। उल्टा हो जाएगा, घृत, मज्जा, वसा, तेल। शिरोपरेशन द्रव्य के जो आश्रय होते हैं वो कितने हैं? 7। 7 में से 5 तो हो गए आपके पंचांग एंड देन निर्यास एंड छाल, ठीक है। शिरोपरेशन द्रव्य में कितने रस होते हैं? टोटल रस कितने हैं? मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो दो रस, मधुर और अमल, पहले दो रस को हटा दो, बाकी जो 4 रस होते हैं वो शिरोपरेशन द्रव्य में पाए जाते हैं। मन का जो कर्म होता है वो क्या है? ऊहे एंड विचार, ये दोनों कर्म मन के होते हैं। नशे कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, नावन, अपीड़न, धूमम, धूमापम एंड प्रतिमर्श। और आश्रय भेद से 7 प्रकार का होता है नशे, एंड कर्म भेद से नशे 3 प्रकार का होता है। प्रायोगिक, सॉरी, ये है नशे जो कर्म भेद से 3 प्रकार का है, रेचन, तर्पण एंड शमन। और मन जो है वो अचेतन है एंड क्रियावान है, आत्मा चेतना है और क्रियाहीन है। गर्भ की वृद्धि 5 प्रकार से होती है, उपस्ने, उपस्वेद, काल परिणाम, स्वभाव, संसिद्धि। स्त्री व्यापद कितने होते हैं? 3, बंध्या, पूति प्रजा एंड स्त्री भिन्न वार्ता। पुरुष के व्यापद कितने हैं? 3, नपुंसक, पूति प्रज एंड तृण पुत्रिक। मुक्ति के पर्याय, विपाप, विरज, शांत, अक्षर ब्रह्म, ब्रह्मा, निर्वाण, प्रशांत, निवृत्ति, अमृत, अव्यय, परमक्षर, ठीक है। वी से देखो, विपाप, विरज, शांत से शांत, प्रशांत, निर्वाण, निवृत्ति, परमक्षर, अक्षर ब्रह्म, ब्रह्मा, अमृत, अव्यय। प्रमुख संख्या, परशुका की संख्या कितनी होती है? 24, 24 रिब्स होते हैं। भगअस्थि 1 है एंड श्रोणी फलक 2 है, ठीक है। अब गर्भ, शल्य, उदरनाद के जो पश्चात कर्म होते हैं वो क्या होते हैं? ये हैं कि सबसे पहले वेदना के शमन के लिए सुरा देते हैं हम, और उसके बाद हम तदंतर स्नेह रहित यव देना चाहिए जो कफ शोषणार्थ हो, एंड देन घृतपान एंड अनुवासन बस्ती। और गर्भिणी में जो जो वस्ती होती है वो नयब्ज स्थिति में देते हैं, नयब्ज स्थिति में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इस जो गर्भस्राव 4 मंथ्स पूर्व जो होता है, 4 मास पूर्व,
तो वो असाध्य होता है, 4 मास पश्चात साध्य होता है, लेकिन आम गर्भ के केस में 4 मास पश्चात भी असाध्य होता है। अगर हम वर्ण को देखें तो प्राकृत वर्ण कौन से हैं? श्याम, श्याम अवदात, गौर वर्ण, कृष्ण वर्ण। और विकृत वर्ण कौन से होते हैं? नील, ताम्र, हरित, श्याव। जो प्राकृत में श्याम म आएगा, इसमें श्याम व आएगा। श्याम, नील, हरित, ताम्र, ये सारे, और शुक्र, ये सारे विकृत वर्ण हैं। और स्वर को देखें तो प्राकृत स्वर कौन से होते हैं? प्राकृत स्वर सारे पक्षियों के आ जाते हैं, जैसे कि कौंच हो गया, काक हो गया, कपूत हो गया, क्रौंच हो गया, दुदुम्बी है, हंस है, दुदुम्बी मतलब कि जो नगाड़े बजते हैं। एंड विकृत स्वर हो गया भेड़ का और गदगद, ये सारे विकृत स्वर बताए गए हैं। इनकी जो टोटल संख्या है, प्राकृतिक स्वर संख्या में 8 है, एंड वैकारिक भी 8 है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा रिवीजन बूस्टर क्लास। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा होगा। अगर आप हमारी सारी क्लासेस के गो थ्रू होंगे जो चरक पार्ट पे है, तो उसके बाद आपको ये ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा और जल्दी आपको लर्न हो जाएगा। ये हमने रिवीजन बूस्टर बनाया ताकि आपको जो पिछली सारी क्लासेस एक ही क्लास में, एक ही एपिसोड में ली गई हैं, वो आप एक ही बार में सुन सकें इजिली, एंड आपको याद हो सके कि कौन कौन से पॉइंट्स गोविंद पारेख में चरक संहिता में बताए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हम ऐसे ही यूज़फुल एपिसोड्स आगे भी देते रहें और आपको ऑटोमेटिकली अपने मोबाइल फ़ोन पे इसकी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू सो मच।